चाहते हो कि विपक्ष चुनाव ना लड़ पाए और इसीलिए आपने इलेक्शन कमीशन में अपने लोग बैठाए, दो चीफ मिनिस्टरों को जेल में डाला, आपने कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट रद्द किए, आप जुडिशरी पे दबाव डाल रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि मैच फिक्स हो, संविधान रद्द किया जाए और आप सत्ता में रहो। फिक्स्ड मैच क्या होता है कि अंपायर भी आपका होता है और जो है ना मैच का जो नतीजा है वो पहले से ही तय कर दिया गया हुआ। इन्होंने और क्या कहा, केंद्रीय सरकार ने अपने लोग बैठा दिए हैं इलेक्शन कमीशन में और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बगैर चुनाव जीता नहीं जा सकता। आज हमने इलेक्शन कमीशन के सामने कई मुद्दे रखे। एक तो कल रामलीला मैदान में जो आई फुल स्टॉप एन फुल स्टॉप डी फुल स्टॉप आई फुल स्टॉप ए अलायंस की एक मीटिंग हुई रामलीला मैदान में, उसके दौरान श्री राहुल गांधी जी ने कई ऐसी बातें की जो अपने आप में बहुत ऑब्जेक्शनेबल हैं और इनकी अगर इम्प्लीकेशन देखिए जो उन्होंने कहा वो और भी सीरियस है। उन्होंने कहा कि ये फिक्स्ड मैच है, आप सब क्रिकेट गेम के साथ फेमिलियर हैं। फिक्स्ड मैच क्या होता है कि अंपायर भी आपका होता है और जो है ना मैच का जो नतीजा है वो पहले से ही तय कर दिया गया हुआ। इन्होंने और क्या कहा कि सरकार ने केंद्रीय सरकार ने अपने लोग बैठा दिए हैं इलेक्शन कमीशन में और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बगैर चुनाव जीता नहीं जा सकता। अब श्री राहुल गांधी जी को यह पूछना चाहिए कि जब आपकी पार्टी कुछ ऐसे राज्यों में सफल रही उस समय क्या कोई अलग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन थी? और ये ईवीएम्स की जो बात है ये कई बार उठाई जा चुकी है और इलेक्शन कमीशन ने भी इसका मजाक उड़ाया है और बोला कि ये बिल्कुल बेबुनियाद है एंड देर इज नो एविडेंस टू से कि ईवीएम के साथ टैम्परिंग हो भी सकती है। बहुत एक्सपर्ट्स को भी बुला के पूछा गया है और उन्होंने जांच की है इसके बारे में। उसके बारे में उन्होंने और कहा कि ये संविधान जो है हमारा, इसके जो संविधान में जो हमारे भारतीय भाइयों और बहनों को जो राइट्स मिलते हैं वो छीने जा रहे हैं, और छीने जा रहे हैं का मतलब क्या है कि किसी ने ये कहा है, किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने कहा है कि 400 पार करने के बाद हम संविधान को ही कैंसिल कर देंगे। कौन से कार्यकर्ता ने ऐसी बात की है हमें तो कोई जानकारी है नहीं, और उनका ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहना, जैसे पिछली बारी उन्होंने कहा था कि मैं अपने ऑफिशियल हैंडल पे, एक्स हैंडल पे, अपने इंस्टाग्राम पे हैंडल पे उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटो लगा के और ये आरोप लगाया कि उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है कि बलात्कारियों के लिए, रेपिस्ट के लिए, उनको बचाने के लिए मैं जान भी दे दूंगा। ये कमाल की बात है, एक इतना लो लेवल पॉलिटिकल डिस्कोर्स। और कल कहा उन्होंने कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, देश जो है टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और देश में आग लग जाएगी। मैं समझता हूं उनकी फ्रस्ट्रेशन तो काफी हद तक हम समझ सकते हैं। वो भारत जोड़ने यात्रा गए, उनकी जो वो अलायंस है, क्या नाम है, इंडिया घमंडिया अलायंस, वो टूटती जा रही है, कई पार्टियां उनको छोड़ गई हैं, तो फ्रस्ट्रेशन एक तरफ, पर एक रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी अपने ऑफिशियल हैंडल से ऐसी बात करे या उनके जो नेता हैं वो ऐसे आरोप लगाए जो बिल्कुल विदाउट बेसिस हैं। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने ये बात रखी और हमने उनसे कहा कि ये नोटिस वाली बात नहीं है, इस पे तो अब सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।